सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द सानू शो गर्ल। आज हम किसी बिजनेस से रिलेटेड टॉपिक या फिर मार्केटिंग से रिलेटेड टॉपिक के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, बल्कि आज हम बात करने वाले हैं मेरे खुद के बिजनेस के बारे में। एज यू ऑलरेडी नो कि मैंने अपना खुद का ऑनलाइन स्टोर स्टार्ट किया है, बट उन सारे प्रोडक्ट्स को बनाने की मेरे पास इंस्पिरेशन कहाँ से मिली और क्यों मैंने उन्हीं प्रोडक्ट्स को चुना जो मैं सेल कर रही हूँ टाइम पे। तो सबसे पहले मैं आपको एक एक करके मेरे प्रोडक्ट्स दिखाती हूँ कि मेरे प्रोडक्ट्स हैं क्या और मैंने इसे क्यों स्टार्ट किया, इसके पीछे रीज़न क्या था। तो आज के इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहो गाइस, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं नॉर्मली नहीं बनाती हूँ। सो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, सो कीप वॉचिंग टिल दी एंड। तो सबसे पहले प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। ये मेरा फेवरेट वाला फ्रेम है। तो एज यू ऑलरेडी नो, अगर आपने मेरा ऑनलाइन स्टोर चेक किया हो तो, कि मैं यूजली जो मैंने स्टार्ट किया तो मैंने टी शर्ट से स्टार्ट किया था, बट नाउ आई एम सेलिंग दिस काइंड ऑफ कोट फ्रेम एज वेल। तो आप देख सकते हो कि इसमें जो कोट है ना, मास्टर द हसल, ये मुझे हमेशा रिमाइंड कराता है लाइक अगर हम अचीव करना चाहते हैं कुछ अपनी लाइफ में तो हमें हसल करना कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो इस तरह के जो माइंडफुल कोट्स होते हैं ना गाइस, ये मुझे अपने रूम में लगाना या फिर मुझे ऐसे टेबल पे रखना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और मुझे लगता है इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, बिकॉज मैंने अमेज़ॉन पे भी जाकर चेक किया था, मैंने और भी वेबसाइट जाकर चेक किया, तो मुझे कुछ ऐसा कुछ खास नहीं लगा, कुछ मतलब मज़ा नहीं आया। बिकॉज जब भी मैं कोड पसंद कर रही थी तो उनका बैकग्राउंड अच्छा नहीं था, या फिर बैकग्राउंड अच्छा था तो कोड अच्छा नहीं था। तो मैं कुछ ऐसा चाहती थी जो कि मेरी पर्सनालिटी को शो करे। तो फिर मैंने डिज़ाइन किया मास्टर द हसल ये वाला कोड, आप देख सकते हो। और मैंने एक और चीज़ सीखी अपनी लाइफ में कि अगर आप एक्सेलेंस को अचीव करोगे, ना कि आप सिर्फ पैसों के पीछे भागोगे, तो आपकी सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो यही सारी बातें माइंड में रखते हुए हमने ये प्रोडक्ट डिज़ाइन किया है। तो अब बात करते हैं मेरे नेक्स्ट प्रोडक्ट के बारे में, जो कि है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो बेसिकली क्या है कि हम लोग ज़्यादातर अपने लेजीनेस की वजह से अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते हैं। तो मुझे ये आइडिया आया बिकॉज मैंने सोचा कि कुछ ऐसा करते हैं लाइक हर रोज़ सुबह मैं जब उठती हूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा लेजी फील होता है, बट अगर मैं इसको देखूंगी ना स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन आएगा कि मुझे कुछ लाइफ में करना है, कुछ अचीव करना है, तो मुझे अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकलना ही पड़ेगा। और इसका बैकग्राउंड भी आप देख सकते हो गाइस, कि इसका जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी ज़्यादा नेचुरल है, नेचर से इंस्पायर्ड है, और नेचर से भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। लाइक आपने भी कई बार ऑब्जर्व किया होगा कि आप किसी नेचुरल प्लेस पर चले जाते हो, किसी हिल स्टेशन में चले जाते हो, तो आपको सडनली बहुत अच्छा फील होने लगता है। तो उसी फीलिंग से इंस्पायर्ड होकर हमने ये प्रोडक्ट डिज़ाइन किया है। और इस प्रोडक्ट की खास बात ये है कि आप इसे लाइक कहीं पे भी रख सकते हो, अपने टेबल पे रख सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो अपने बैकग्राउंड में यूट्यूब वीडियो बनाते समय आप इसे वॉल पे भी लगा सकते हो, बट मैं प्रीफर करती हूँ उसे टेबल पे रखना, क्योंकि मैं जहाँ वर्क करती हूँ टेबल पर, तो फिर मुझे यही होता है कोई ऐसा इंस्पिरेशन या फिर कुछ ऐसा जो कि मुझे हमेशा हसल करने पर मजबूर करे। द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू हसल, बिकॉज हसल करते समय हमें हम्बलनेस को नहीं छोड़ना चाहिए। तो उसी चीज़ में इंस्पायर्ड होकर हमने ये कोड डिज़ाइन किया है। और इसका बैकग्राउंड मैं चाहती थी कि थोड़ा सा मतलब कलरफुल हो, थोड़ा सा मतलब अट्रैक्टिव हो, लाइक उसे देखते ही आपको लगे कि हाँ ये तो कुछ बढ़िया ही दिख रहा है। तो उसी चीज़ से इंस्पायर्ड होकर हमने ये फ्रेम तैयार किया है। लेट मी नो इन द कमेंट बिलो कि आपको ये कैसा लगा। और गाइस, अगर आप ये प्रोडक्ट्स चेकआउट करना चाहते हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। लाइक अभी मैंने वेबसाइट पर तो लॉन्च नहीं किया है, बट आप इंस्टाग्राम पर DM भी कर सकते हो अगर आपको परचेस करना हो तो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सो गो एंड चेकआउट दिस प्रोडक्ट राइट नाउ। अब गाइस, जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है ना, ये आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि अगर आप स्टार्टअप वर्ल्ड से हो या फिर अगर आपको फ्यूचर में स्टार्टअप करना है, तो आई एम श्योर कि ये फ्रेम आपको ज़रूर पसंद आएगा, जो कि है बी द यूनिकॉर्न इन द फील्ड ऑफ हॉर्सेस। एंड यू ऑलरेडी नो कि मैं स्टार्टअप के लिए कितना ज़्यादा पैशनेट हूँ, बिजनेस को लेकर कितना ज़्यादा पैशनेट हूँ। तो उसी से इंस्पायर्ड होकर हमने ये फ्रेम तैयार किया है। और मुझे लगता है कि ये फ्रेम का डिज़ाइन जो है वो वन ऑफ द बेस्ट डिज़ाइन है, क्योंकि एक तो ये क्यूट है और इसके साथ साथ इसमें जो कोड लिखा है ना, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और ये सिर्फ स्टार्टअप वर्ल्ड के लिए नहीं, बल्कि आप लाइफ में भी अगर कुछ अलग करना चाहते हो, क्योंकि मेरा मानना ये है कि हम सब के अंदर कोई ना कोई डिफरेंट क्वालिटी होती है, तो उसे हमें थोड़ा सा इन्हेंस करना होता है, इम्प्रूव करना होता है। और इसी चीज़ से इंस्पायर होकर हमने ये फ्रेम तैयार किया है, बी द यूनिकॉर्न द फील्ड ऑफ हॉर्सेस। और मुझे लगता है कि ये मेरा फेवरेट वन है आफ्टर दैट, तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है गाइस। और रिसेंटली मैं आपको इंसिडेंट बताती हूँ गाइस, मेरी एक फ्रेंड आई थी मेरे घर पर, तो मैंने जस्ट ये फ्रेम जो है अपने टेबल पे रखा हुआ था, उसने पूछा कि ये फ्रेम तुमने कहाँ से खरीदा। तो मैंने बोला कि मैंने कहीं से खरीदा नहीं है, मैंने इसे खुद डिज़ाइन किया और मैं इसे वेबसाइट पे सेल भी करती हूँ। तो उसने बोला कि लाइक इट्स समथिंग डिफरेंट। तो उसने मुझसे कहा कि दिस इज़ अ परफेक्ट गिफ्ट, और उसने तुरंत परचेस कर लिया मेरे से। और तभी मुझे रियलाइज़ हुआ कि इस प्रोडक्ट में पोटेंशियल है आगे बढ़ने का, और तभी मैंने अपने इंस्टाग्राम पर इसे और ज़्यादा प्रमोट करना स्टार्ट किया। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बिकॉज यू वोंट बिलीव कि मैंने सिर्फ एक हफ्ते में 50,000 सेल कर दिए सिर्फ इस प्रोडक्ट की।
तो ये प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा डिमांड, लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आ रहा है। आप मेरे इंस्टाग्राम पर चेक भी कर सकते हो, क्रिएटर क्लोजर पर मैंने काफ़ी ज़्यादा रील भी बनाया हुआ है ऑर्डर पैकेजिंग से रिलेटेड, कि किस तरह से हम ऑर्डर पैकेजिंग करते हैं, किस तरह से हम शिप करते हैं। So that's it for today guys. I hope you like this video. If you enjoyed them, please give me a thumbs up. और मैंने सोचा कि कुछ अलग करते हैं, बिकॉज बहुत दिन से मैं काफ़ी ज़्यादा बिजनेस से रिलेटेड वीडियोज़ में आ रही थी, तो मैंने सोचा कि कुछ अपने प्रोडक्ट्स को भी दिखाते हैं लोगों को, कि हम किस तरह के प्रोडक्ट्स बनाते हैं और किस तरह के प्रोडक्ट्स सेल करते हैं, ताकि आपको भी इंस्पिरेशन मिले ऐसा कुछ करने की, ताकि आपको भी इंस्पिरेशन मिले कि हाँ इस तरह की चीज़ें भी हो रही हैं दुनिया में और आप भी इस तरह से कर सकते हो। So guys, thanks for watching this video. मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।